हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर लग चुके होंगे। आज का यह सेशन हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर है और 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आपका अपना एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, इन द फॉलोइंग एपी, यहाँ पर नीचे में कुछ एपी दिए हुए हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन कुछ लिखा हुआ है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है मिसिंग टर्म को, यानी जो टर्म हम लोग का नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टर्म खाली है, तो इस टर्म को लोगों क्या करना है, फाइंड करना है, इस टर्म को लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप में बताने वाला हूं। अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, वहां पर आप वो व्हाट्सएप नंबर होती है उसमें जाकर आप मैसेज अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा उस जगह पर जाकर आपको सॉल्यूशन फिर से बताने की ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो फिर भी जाकर वहां पर लिखना है कि सर आई वांट पीडीएफ नोट्स, तो बस आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के आपके व्हाट्सएप में मैसेज में दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात ध्यान देना है, गिवन A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, व्हाट लिख देंगे, ठीक है, एंड A3 इक्वल टू 26, ये चीजें हैं। अब सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग AN का फार्मूला जानते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्लियर है। अब यहां पर करेंगे क्या, AN के जगह पर A3 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो A3 लिखते हैं, A का दिया हुआ है वैल्यू 2 प्लस n के जगह पर 3 माइनस 1 एंड d जो है ना वो नहीं दिया हुआ है इसमें, देखिए d यहाँ पर नहीं है, d निकाल के नहीं सकते क्योंकि थर्ड टर्म बीच में, सॉरी सेकंड टर्म बीच में मिसिंग है, फर्स्ट टर्म दिया और थर्ड टर्म दिया, सेकंड टर्म है ही नहीं, और सेकंड टर्म नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालने की कोशिश करते हैं, तो d नहीं दिया हुआ है तो d को d लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर A3 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 26 और 2 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2 और ये d। अब यहां पर चलते हैं, देखिए यहां पर कि 26 A3 का वैल्यू 26 था, 26 लिख देंगे 2 प्लस 2 इंटू d, 2d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। अब इस 2 को हम इधर लेकर आते हैं, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, क्लियर है। अब यहां पर चला जाएगा कितना बचेगा, 24 बचेगा इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 बाय 2 इक्वल टू 12, यानी d हमारा कितना निकल गया, 12 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर a1 दिया हुआ है, हम लोग फाइंड क्या करना है, a2 फाइंड करना है, a2 नहीं दिया हुआ है तो a2 फाइंड करने के लिए बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे a1, ठीक है, और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, d, तो कॉमन डिफरेंस जो d है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर है। a1 प्लस d यानी 2 प्लस d का वैल्यू कितना निकाले, वैल्यू 12 निकाले यानी 12 निकाले, तो a1 का वैल्यू था 2 और d का वैल्यू था 12, तो 2 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी जो मिसिंग टर्म आपका है वो कितना हो गया, 14, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने डी फाइंड कर लिया, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको डी फाइंड करना है, डी फाइंड करने के लिए आप एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डी निकाल लेंगे और डी निकालने के बाद आपका जो टर्म मिसिंग दिया हुआ है उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की सिलसिला कभी नहीं थमती है, हमें दीजिए इजाजत। अब अगले वीडियो पर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर।
धन्यवाद।